बेशक दीवानी शिक्षा बोर्ड प्रबंधन ने 10वीं के रिजल्ट के घोषित परीक्षा परिणाम को लेकर अपने कर्तव्यों की इतिश्रिम कर ली हो, लेकिन यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि इस बार घोषित किए गए परीक्षा परिणाम में न सिर्फ परीक्षार्थियों को बल्कि अभिभावकों को रिजल्ट घोषित होने के बावजूद भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। भिवानी बोर्ड प्रबंधन के अनुसार बीती देर शाम 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था, लेकिन पूरी रात परीक्षार्थी व उनके अभिभावक रिजल्ट देखने के लिए मत्थापच्ची करते रहे, लेकिन साइट ना चलने की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना मैं मेरी भतीजी बहुत ही मेहनती है और यह संघर्ष से सफलता की कहानी है। स्ट्रगल टू सक्सेस डेली पढ़ती थी। इसके पिताजी एक फार्मर हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, तो बहुत स्ट्रगल पूर्वक जीवन में इसने सक्सेस प्राप्त की है। मैं तो और बच्चों को प्रेरणा देना चाहता हूँ कि इससे सीख कर उन्हें दिन रात मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जीवन की जो असली सच्चाई है वो किताब के काले पन्नों में है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसका साक्षात और प्रमाण रिंकी ने दिया है। यह पूरे कुड्डन गांव के लिए गर्व की बात है, जज डिस्ट्रिक्ट के लिए गर्व की बात है। तो इस लड़की ने 3 सब्जेक्ट में 100 out of 100 मार्क्स प्राप्त किए हैं। मैथ में 100 है, इंग्लिश में 100 है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है और बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस कोविड जैसे टाइम में जो सफलता का मार्ग इसने दिखाया है, उससे बच्चे प्रेरित होकर तैयारी करेंगे और एजुकेशन का लोड डाउन नहीं हुआ है, यही संदेश है। यही उम्मीद करता हूँ, ये ज़्यादा तैयारी करें, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि बच्चे अपने आप अपनी तैयारी करते हैं, उन पर हमें कोई प्रेशर नहीं बनाना चाहता। मेरी भतीजी होने के साथ साथ मैं इनका डायरेक्टर भी हूँ और मैं इनका शिक्षक भी हूँ, तो दोनों जिम्मेवारी मेरे ऊपर है और मुझे उम्मीद है कि ये ज़बरदस्त नाम रोशन करेगी अपने ज़िले का, अपने गाँव का। उससे पहले पूरे गाँव की बेटी है, इसके चाचा जी बहुत मेहनत करते हैं, पापा जी बहुत मेहनत करते हैं, छोटे से किसान हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और जब जाके इसको पढ़ाया है। इनकी जान में जान तब आई जब भिवानी बोर्ड की साइट शनिवार को दोपहर बाद दिखाई दी। शनिवार को दोपहर बाद दिखाई दी गई साइट में झज्जर जिले की द हाइट की छात्रा रिंकी ने 99.2% अंक हासिल कर जिले में पहला स्थान हासिल किया। रिंकी के जिले में प्रथम स्थान हासिल करने पर स्कूल प्रबंधन के साथ साथ उसके गांव व जिले के लोगों ने उसे बधाई दी है और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। रिंकी के अलावा जिले के गांव छारा की छात्र नेहा पुत्री राम नारायण ने 95% अंक हासिल कर गाँव व जिले का नाम रोशन किया है। नेहा का सपना IAS की तैयारी का, गाँव व जिले का नाम रोशन करने का है। 496 नंबर प्राप्त किए 500 में से, जिसकी परसेंटेज 99.2 है। मैंने इस बुलंदी को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की, मेरे साथ साथ मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, सब ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूँ और कुछ भी बनने से पहले एक बहुत अच्छा इंसान बन के दिखूँ।